अलीपुर के पास रेती के टिप्पर को अचानक आग लग गई। भरत नागपाल नामक व्यक्ति का टिप्पर पुलगांव से कात्री कान्होली रेती घाट पर जा रहा था। टिप्पर के कैबिन की वायरिंग शॉर्ट होने से यह हादसा हुआ। टिप्पर चालक ने आग बुझाने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन आग काबू नहीं हो पाई। इसके कारण चालक को जान बचाकर भागना पड़ा। घटना की जानकारी मिलते ही सरपंच नितिन चंदन खेड़े घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने पुलिस यंत्रणा, तहसीलदार, उप विभागीय अधिकारी इनको फोन द्वारा घटना की जानकारी दी। कुछ देर में हाईवे के काम पर मौजूद पानी के दो टैंकर से आग बुझाने की कोशिश की गई, फिर भी आग काबू में नहीं हो पाई। इसके तुरंत पुलिस निरीक्षक शैलेश शेलके, सहायक पुलिस उपनिरीक्षक स्वप्निल भोजगुड़े और उनकी टीम घटनास्थल दाखिल हुई। उन्होंने हिंगनघाट के फायर ब्रिगेड को घटनास्थल पर बुलाया। उन्होंने आग पर काबू पाने की कोशिश की, तब तक पूरा टिप्पर जलकर खाक हो गया था। टिप्पर के डीजल टैंक फूटने के डर से पुलिस देर तक घटनास्थल पर रुकी रही, लेकिन ऐसा नहीं होने से सब ने राहत की सांस ली।